अगर आप आर्यावर्त बैंक के खाता धारक हो तो पहले हम इस बैंक के थ्रू यहाँ पर फोन पे पेटीएम जैसे यूपी ऐप को इस्तेमाल करना चाहें तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी यहाँ पर नया अपडेट आ चुका है, यानी अब आप यहाँ पर आर्यावर्त बैंक के थ्रू अब फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम उसी का लेटेस्ट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको फोन पे का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे फोन पे पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको फोन पे को इंस्टॉल कर लेना है, हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर ओपन वाला ऑप्शन आ चुका है, हम यहाँ पर फोन पे ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही आप फोन पे ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने फोन पे ऐप का प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर एंटर करें जो मोबाइल नंबर आपके आर्यावर्त बैंक से रजिस्टर्ड हो, तभी आप उस बैंक को फोन पे में लिंक करके फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे नीचे प्रोफिट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम यहाँ पर प्रोफिट करते हैं। प्रोफिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा और आप यहां पर फाइनली फोन पे ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहां पर क्या करना है, आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल रहा है, यानी होम, स्टोरेज, इंश्योरेंस, वेल्थ और हिस्ट्री, यहां पर बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, यहाँ पर बैंक लिंक करना है आर्यावर्त बैंक। तो उस बैंक को लिंक करने के लिए यहाँ पर जो फोन पे का जो ऊपर प्रोफाइल का लुक होता है इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फोन पे के प्रोफाइल के लुक ऊपर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको इसी ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब आपके सामने यहाँ पर बहुत से बैंक आ जाएंगे, तो अब आपको यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है आर्यावर्त बैंक। अब जैसे ही आप आर्यावर्त बैंक सर्च करेंगे आप देख सकते हैं आर्यावर्त बैंक आ चुका है। अब इस बैंक को लिंक करने के लिए हमको इसी बैंक पर क्लिक करना है। दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपके आर्यावर्त बैंक से रजिस्टर्ड है वह सिम कार्ड आपके मोबाइल में होना चाहिए और उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, तभी बैंक लिंक होगा। ओके, तो अब इस बैंक को लिंक करने के लिए हम इसी बैंक पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इसने अकाउंट फाइंड कर लिया है, अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहां पर यूपी पिन सेट करने के लिए बोलेगा, जहां पर हमको रीसेट का वहां पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है और नीचे डन का, तो यहां पर आपको सेट यूपी पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, या रीसेट पर क्लिक करें या सेट पर, सेम इंटरफेस ओपन होगा। तो हम यहाँ पर रीसेट पर क्लिक, जैसे आप रीसेट पर क्लिक करेंगे अब आपका यहाँ पर आर्यावर्त बैंक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको अपने आर्यावर्त बैंक के जो डेबिट कार्ड होता है उसके लास्ट 6 डेट और यहाँ पर मंथ और ईयर यानी एक्सपायरी यहाँ पर एंटर करनी है, उसके बाद प्रोफिट करना है। तो हम यहाँ पर सब डिटेल एंटर कर चुके हैं, प्रोफिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रोफिट करेंगे आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो ऑटो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर हम राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। अब यहाँ पर आपको कोई भी 6 डिजिट की यहाँ पर एक पिन सेट कर लेनी है, यानी जब भी आप फोन पे के थ्रू अपने आर्यावर्त बैंक से मनी ट्रांसफ़र करोगे, रिचार्ज करोगे, बिल पेमेंट करोगे, कुछ भी करोगे तो आपको यही पिन एंटर करनी पड़ेगी, तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। पिन बना चुके हैं, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन। जो यूपीआई पिन अभी आपने बनाई तो उसको फिर से एंटर कर देना। तो फिर से एंटर कर चुके हैं, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर और आपके बैंक का यहाँ पर फाइनली यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फोन पे की जो भी सर्विस हैं आप इनका लाभ उठा सकते हैं। और अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, यानी यूपीआई पिन सेट नहीं हो रहा हो, तो अभी यहाँ पर यह नया ही फीचर आया है तो वो से जिसको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ट्राई करते रहना है, होगा ज़रूर। तो ओके,